हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड ब्रो। सो आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार हम पाइथन की मदद से एक स्क्रीन रिकॉर्डर बना सकते हैं। सो पाइथन का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है स्क्रीन रिकॉर्डर बनाना पाइथन की मदद से। सो अगर आपको जानना है तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड कहीं मत जाइए वीडियो के एंड से पहले पहले, बिकॉज अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो आप भी ये स्क्रीन रिकॉर्डर पाइथन की मदद से बना पाओगे इन 3 मिनट्स। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 3 मिनट के अंदर अंदर ये स्क्रीन रिकॉर्डर बना लोगे। बहुत सिंपल सा कोड है, बहुत कोई टफ नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल सा कोड है। इसमें बड़ा हो सकता है, मगर वीडियो देखने के बाद आप 3 मिनट के अंदर अंदर पूरा कोड लिख पाओगे। ओके, सो चलते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे कोड एडिटर में। सो जुपिटर नोटबुक में अपना कोड एडिटर इस्तेमाल करता हूँ। आप किसी और कोड एडिटर को इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइम, एटम, पाइचाम, इन सब को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल आप फ्री उसके चीज के लिए। सो फटाफट से हम जुपिटर नोटबुक में पाइथन 3 की फाइल खोल लेते हैं एंड जो लाइब्रेरीज हमें जरूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट करने के लिए वो क्या क्या है। सो लाइब्रेरीज का नाम फटाफट से मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो। फटाफट से पहली लाइब्रेरी हमको जरूरत पड़ेगी वो है पिलो। सेकेंड लाइब्रेरी हमको जरूरत पड़ेगी वो है ओपन सी एंड थर्ड लाइब्रेरी हमको जरूरत पड़ेगी नंपाई। फोर्थ लाइब्रेरी जिसको हमें जरूरत पड़ेगी वो है टाइम। सो इन 4 लाइब्रेरीज के अलावा हमें किसी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 लाइब्रेरी हमको इंस्टॉल करनी पड़ेगी हमें सिस्टम में। टाइम ऑलरेडी आपके सिस्टम में, अगर पाइथन आपने इंस्टॉल किया है तो ऑलरेडी टाइम आ जाएगा आपके इसमें। एंड नेक्स्ट थिंग जो आपको जरूरत पड़ेगी इंस्टॉल करने की वो है पिलो, ओपन सीवी और नम पाई। अगर जुपिटर नोटबुक में इस्तेमाल कर रहे हैं आपको नम पाई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ और किसी और ऑपरेटर में कर रहे हो इस्तेमाल तो आपको नम पाई इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट थिंग हम सबसे पहले कि इनको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो देख लें। सो पीआईपी इंस्टॉल और पिलो, सिंपली आप इन सब को एक लाइन में लिख दीजिए। पिलो ओपन सीवी एंड नम पाई। अगर आपके इसमें नम पाई इंस्टॉल नहीं है तो आप न कर सकते हो, बिकॉज ये तीनों लाइब्रेरीज में इंस्टॉल्ड इसलिए मुझे बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप देख सकते हैं अभी मुझे बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सो ये रन हो रहा है, देख सकते हैं आप रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, और इसने क्या मुझे एरर दिए कि ओपन सीवी जो है ना, नो डिस्ट्रीब्यूशन मैचिंग फॉर ओपन सीवी। और ओपन सीवी में आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, जब भी आप ओपन सीवी को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ओपन सीवी पाइथन लिखना पड़ेगा, जरूरत पड़ सकती है आपको। ओके, सो नम पाई हटा देता हूँ, ऑलरेडी अनसेटिस्फाइड आ गया है एंड पिलो का भी ऑलरेडी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड आ गया है। सो हम पिलो को बैठा देते हैं यहाँ से। सो ओपन सीवी को आप किस तरह से इंस्टॉल करना है, ओपन सीवी पाइथन, बिकॉज ओपन सीवी C++, जावा स्क्रिप्ट वगैरह इन सारे लैंग्वेज के लिए अवेलेबल है। दैट्स व्हाई सो हमको ये लिखना पड़ेगा कि हमें पाइथन के लिए चाहिए ओपन सीवी। हम किसके लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, पाइथन के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा ओपन सीवी /python। सो दैट्स व्हाई हम इसको रन करेंगे तो ये मुझे बोल देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं इन चारों लाइब्रेरी को इंपोर्ट कैसे करेंगे। सो सबसे पहले सिंपली आपको लिखना है इंपोर्ट। सबसे पहले ओपन सीवी को हम किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, ओपन सीवी को हम CV2 नाम से इंस्टॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सॉरी। एंड नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं पिलो को किस तरह इंपोर्ट करेंगे। तो पिलो को एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी हमें पिलो की, क्या इमेज ग्रैप, बिकॉज हमको इस स्क्रीन का क्या करना है, इमेज ग्रैप करना है, पूरी स्क्रीन का विंडो का करना है हमको, पर्टिकुलर विंडो का इमेज ग्रैप करना है। सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ेगी, फ्रॉम PIF, एक PIF लाइब्रेरी से हम क्या उठाएंगे, PI लाइब्रेरी से क्या उठाएंगे, इम्पोर्ट इमेज ग्रेप, इमेज ग्रेप। अब इस बात का ध्यान रखिए कि इमेज का आई कैपिटल है और ग्रेप का जी कैपिटल है। ओके, सो अब हमने क्या कर लिया, PIL से क्या उठा लिया, इमेज ग्रेप, बिकॉज हमें इमेज ग्रेप करना है इसका। नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे numpy, सो इम्पोर्ट करेंगे numpy, इम्पोर्ट numpy एज NP। ओके, सो NP की तरह हम इम्पोर्ट करेंगे उसको। नेक्स्ट थिंग इम्पोर्ट करेंगे टाइम को, इम्पोर्ट टाइम। सो देख सकते हैं हमने इन 4 लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर चुके हैं सक्सेसफुली। नाउ नेक्स्ट हम हमारा कोड लिखना फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे किस कोडेक फॉर्मेट में हमारा वीडियो चाहिए हमको। सो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 4cc cv2.videowriter, किस वीडियो फॉर्मेट हमारे वीडियो का क्या करना है हमको, राइट करना है। ओके, सो देख सकते हैं आप सिंपली वीडियो लिख के अगर आप टैब दबाएंगे तो वीडियो राइटर सीसी आ जाएगा। अभी ध्यान रखना कि वीडियो का वी और राइटर का डब्ल्यू ये दोनों कैपिटल में। ओके, एंड 4cc लिख सकते हैं एंड देन 4cc के बाद वीडियो राइटर अंडरस्कोर 4cc लिखने के बाद आपको अपना डिटरमाइन करना पड़ेगा किस वीडियो फॉर्मेट में, कोडेक फॉर्मेट में आपको अपना वीडियो को कोड करना है। तो XVID
क्या लिखना है आपको, सिंपली एक्सवी आई डी, इसको कैपिटल में लिखिए एक्सवी आई डी को, एक्सवी आई डी। ओके सो सिंपली आपने ये लिख दिया। नाउ नेक्स्ट थिंग, हमने कोडेक फॉर्मेट बता दिया कि हमें इस कोडेक फॉर्मेट में हमारे वीडियो को राइट करना है। नेक्स्ट थिंग हम करेंगे क्या, हमारे फाइल के अंदर हमारी वीडियो जो भी रिकॉर्ड होगी उसको सेव करने के लिए वीडियो को राइटर बनाएंगे। सो सीवी टू डॉट वीडियो राइटर वीडियो राइटर, किस फाइल का नाम क्या लगना है हमको। सो मुझे चाहिए कि डेस्कटॉप में मुझे सेव हो ये फाइल, डेस्कटॉप पे किस नाम सेव करनी है मुझे, स्क्रीन रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग टू, बिकॉज एक फाइल मेरे पास पहले से पड़ी हुई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नाम की, इसलिए मैं चाहता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग टू नाम से सेव हो। डॉट एमपी फोर मैं आपको दिखा दूँ, मेरे डेस्कटॉप पर ये फाइल पड़ी इस नाम की, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नाम की पहले से एक फाइल पड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है। ओके सो ये फाइल पड़ी है बस पहले से, इसलिए मैं वापस इसको नहीं बनाऊंगा। सो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने टू रख दिया, डॉट MP4 फॉर्मेट में बस सेव चाहिए मुझे फाइल। नेक्स्ट थिंग मैं करूंगा क्या, कोडेक फॉर्मेट को डिटरमाइन करूंगा किस कोडेक फॉर्मेट में चाहिए, तो मुझे फोर चीजें कोडेक फॉर्मेट में चाहिए जो मैंने लिख रखा है XVID, और कितनी फ्रेम्स पर सेकेंड मुझे स्टोर करनी है, तो 20 फ्रेम्स पर सेकेंड, आप चाहे तो कम भी 5 फ्रेम पर सेकेंड भी कर सकते हैं, 100 फ्रेम पर सेकेंड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके नेक्स्ट थिंग हमें चाहिए रेजोल्यूशन, हमारी स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन कितना होगा। सो मेरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन सिंपली 1920 इसकी विड्थ है एंड 1080 इसकी हाइट है, मेरे स्क्रीन का ये रेजोल्यूशन है। अगर आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन कुछ डिफरेंट है तो आपको पता करना है कि स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, तो आप इससे पता कर सकते हैं। किस चीज से पता कर सकते हैं, मैं आपको सिंपली यहाँ कोड लिख के बता देता हूँ। ओके इस चीज से आप पता कर सकते हैं, सिंपली इमेज लिखिए एंड इमेज ग्रैप डॉट ग्रैप, ओके एंड देन सिंपली आप इसको नंपाई में कन्वर्ट कर लीजिए, इमेज इक्वल्स टू एनपी डॉट एरे इमेज एंड इमेज डॉट शेप, सिंपली आप लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी हाइट है 1080 क्या है, हाइट है 1920 विड्थ है एंड 3 इसका चैनल है, कितने कलर का चैनल है, RGB रेड ग्रीन ब्लू, कितने 3 मैट्रिक्स बनेगी। ओके सो मेरे सबसे ओपन सी में क्या होता है कि ओपन सी में सबसे पहले आपको विड्थ लिखना पड़ता है एंड देन हाइट, पर अगर आप एरे में बात करेंगे तो एरे में आप जब भी शेप देखेंगे सबसे पहले आपको हाइट दिखाएगा, मतलब कॉलम नंबर एंड देन रोज, सॉरी रोज एंड देन कॉलम। सो ये दिखाएगा क्या, सबसे पहले आपको क्या दिखाएगा, हाइट दिखाएगा एंड देन विड्थ। ओके सो हाइट एंड विड्थ, सो देख सकते हैं मैंने स्क्रीन रिजोल्यूशन आपको इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं फटाफट से वीडियो रिकॉर्ड करने की, तो किस तरह से हम वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। ओके सो व्हाइल ट्रू, बिकॉज हमें बहुत सारे क्या करेंगे, हम बहुत सारे स्क्रीनशॉट लेंगे हमारी स्क्रीन के, जो भी हम कर रहे हैं स्क्रीनशॉट लेंगे, तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट लेंगे पर्टिकुलर टाइम में, तो उससे क्या होगा हमारा एक पूरा वीडियो बन जाएगा। सो फटाफट से करते हैं। सो हमने जो ये ऊपर इस्तेमाल किया था फ्रेम इमेज ग्रेप वाला फंक्शन, ये इमेज ग्रेप वाला नीचे करने वाले, ये क्या करता है, इमेज ग्रेप डॉट ग्रेप हमें स्क्रीनशॉट लेता है। अब स्क्रीनशॉट को देखना भी है तो मैं स्क्रीनशॉट को दिखाऊंगा आपको किस तरह से स्क्रीनशॉट ले रहा है हमारे ये। ओके इमेज ग्रेप डॉट ग्रेप एंड हमें इसका करना पड़ेगा, हमें इसको नंपाई एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रेम इज इक्वल्स टू एनपी डॉट एरे फ्रेम, ओके एंड हमें इसके चैनल भी कन्वर्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो चैनल कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रेम इज इक्वल्स टू CVT डॉट CVT कलर, ओके किसका कन्वर्ट करना है हमको, फ्रेम का कन्वर्ट करने हमको चैनल RGB चैनल BGR चैनल, जब भी स्टोर हमारे स्क्रीनशॉट लेगा ना तो किस चैनल में लेगा, BGR फॉर्मेट में, ब्लू ग्रीन रेड, पर हमें चाहिए रेड ग्रीन ब्लू फॉर्मेट में, इसलिए हम इसको फॉर्मेट चेंज करेंगे ताकि जो हमारा वीडियो हम जब देखें तो वो अच्छे से दिखे, हमको कोई कलर इशू ना हो वीडियो में हमारी, इसलिए हम इसका चैनल चेंज कर रहे हैं। ओके एंड CVT डॉट चेंज कलर, सो कलर सिंपली आपको लिखना है कलर कैपिटल लेटर्स में, ऑल द कलर कैपिटल लेटर में अंडरस्कोर BGR टू RGB। ओके अब इसको चाहे तो ग्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी टू नहीं टू, ओके BGR टू ग्रे RGB। ओके नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे, हमने हमारे कलर को चेंज कर लेना, हम हमारी फाइल में राइट करेंगे, राइट करने से पहले हम शो करेंगे किस तरह से हमें दिख रहा है, सबसे पहले शो कर लेते हैं, है ना। ओके तो सो CVT डॉट आई एम शो, सो इससे क्या हो जाएगा, एक विंडो खुल जाएगी जिसमें हमारा वीडियो स्क्रीनशॉट जो ले रहा है हमारा
ये जो प्रोग्राम है किस तरह से स्क्रीनशॉट ले रहा है, किस तरह से वीडियो में कन्वर्ट हो रहा है, वो हमें दिख जाएगा हमारे स्क्रीन किस तरह रिकॉर्ड कर रहा है। ओके तो हम इसका नाम रखता हूँ मैं विंडो को जो खुलने वाली है, स्क्रीन स्क्रीन नाम देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड। ओके नेक्स्ट थिंग हम किसको शो करने वाले, तो फ्रेम्स फ्रेम्स हमारे कैप्चर करेगा वो, उसको हम शो करेंगे। नाउ आउट आउट डॉट राइट, जो भी आउट हमारी फाइल है, हमने आउट में हमारी क्या लिखी है, वीडियो राइटर की जो फाइल है वो हमने रख रखी है, तो उसमें क्या करना है हमको राइट करना है। तो वीडियो डॉट राइट किसको राइट करना है, हमको फ्रेम को राइट करना है। ओके एंड नेक्स्ट थिंग हम करेंगे क्या कि हमारी कब चाहते हैं हमारा वीडियो को रोकना, तो हम रोकने के लिए हम क्या करेंगे क्यू दबाना चाहते हैं, तो सीवी टू डॉट वेट की वन एड्रेस जीरो क्रॉस एफ एफ इज इक्वल टू ओ आर डी क्यू। मैंने क्यू लिखा क्योंकि मैं क्यू के साथ जो है ना कॉलन के साथ कॉर्ड्स के साथ लिखिए, जब भी मैं क्यू दबाऊंगा ना तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर रुक जाएगा। आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं, इसके चाहे तो आप स्कैप से भी बंद कर सकते हैं, ओ डब्ल्यू कोई भी कीवर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं बंद करने के लिए। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि आप किस की से रोकना चाहता हूँ। मैंने डब्ल्यू लिखा था, मान लीजिए डब्ल्यू डब्ल्यू क्यू लिखा था मैंने पहले, तो अब डब्ल्यू से मैं चाहता हूँ डब्ल्यू से मैं स्क्रीन रिकॉर्डर रुक जाए, सो सिंपली ये रुक जाएगा। तो यहाँ ब्रेक लगा देंगे तो इस व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा, और व्हाइल लूप से बाहर आने के बाद क्या करना है आपको, आउट डॉट को रिलीज कर देना, और जो फाइल जो है उसको क्या कर देंगे हम रिलीज कर देंगे, फाइल डॉट रिलीज एंड सीवी डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, जितनी भी हमने विंडोज को कैप्चर किया है उन सारी विंडोज को हम क्या कर देंगे डिस्ट्रॉय। ओके सो इस तरह से हमारा रिकॉर्डर पूरा रेडी हो चुका है, नाउ देख सकते हैं नॉट रिस्पॉन्डिंग, कुछ एरर आ गया इसमें। ओके सो हमें देख सकते हैं कुछ एरर आ गया, वेट की में कुछ एरर आ गया है, सो देखते हैं वेट की में क्या एरर आया। सो वेट की सिंपली वेट की में कुछ ना कुछ एरर आया है यहाँ पे, जीरो क्रॉस एफ एफ इक्वल टू ओ आर डी, सब कुछ तो सही है यहाँ पे। सो एक बार रन करके देखते हैं हम। सो देख लीजिए अब रन हो चुका है, ये जो फाइल खुली है मेरी एक्सटर्नल में, ये स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रही है। देखिए ये देखिए बहुत सारा स्क्रीन शॉट ले जा रही। सो हम इसको नीचे करेंगे, हमें स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो हमें इसे ऊपर नहीं रखना है, हमें क्या करना है इसे सिंपली ये स्क्रीन रिकॉर्डर जो फाइल लिखी हुई है देखो स्क्रीन रिकॉर्ड, इसको करना है हमको नीचे ले लेना है, हम इसको नीचे ले लेंगे, अब हमारी स्क्रीन को रिकॉर्ड हो रहा है। ओके मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो मैं इस पर कुछ भी लिखता हूँ ओके, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये अभी का ही मैंने कुछ कर रहा है। सो मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, सो देखते हैं नेक्स्ट से। सो आपको अगर आपको क्विट करना है इसको तो आप सिंपली इसको खोल के W दबा दीजिए, सिंपली क्विट हो जाएगा। नाउ सो हमने हमारा पाथ देखते हैं, हमने कहाँ सेव किया इसको, डेस्कटॉप पे सेव किया, डेस्कटॉप पे चला के देखते हैं हम। डेस्कटॉप ये देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर 2 नाम से आ चुकी हमारी फाइल, बन चुकी है यहाँ पर, और देखिए ये बेहतरीन तरीके से हमने हमारी स्क्रीन रिकॉर्ड करी है। ये मैंने पहले से रिकॉर्ड करके नहीं रखी है, आपके सामने जो प्रोग्राम बनाया है उसी से मैंने रिकॉर्ड करी है। ओके और मैंने आपके सामने एन भी लिखा था इस टाइप से। सो ओके सो गाइस सक्सेसफुली हमने स्क्रीन रिकॉर्डर बना लिया है। अगर आप चाहते हैं कि यार स्क्रीन रिकॉर्डर जो है ना मेरा कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो मतलब मैं कुछ विंडो खोलना चाहता हूँ बंद करना चाहता हूँ, सिंपली आप लिखेंगे टाइम डॉट स्लीप, जितने भी टाइम के लिए आपको स्लीप करवाना है 10 सेकंड बाद क्या करेगा मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेगा। सो देख सकते हैं 10 सेकंड बाद इसने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, मैं यह करूंगा उसको डाउन करूंगा एंड देन मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा मेरे जो भी मुझे रिकॉर्ड करना है। ओके सो ये पाइथन का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसके थ्रू मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार हम पाइथन की मदद से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके सो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए एंड प्लीज इस लेक्चर में आपने जो भी देखा है, इस वीडियो में आपने जो भी देखा है प्लीज उसको बना के देखिए, मैं गारंटी देता हूँ आप 3 मिनट के अंदर अंदर ये कोड लिख पाओगे। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बैल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज हम ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट रिलीज करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, तो प्लीज हमसे जुड़े रहिए हमारे चैनल से एंड प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे, एक कोड लिखने के बाद कमेंट करके बताइए कि आप 3 मिनट में ये लिख पाए हो या नहीं लिख पाए हो। ओके सो हमारा रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, सो मैं इसको भी क्विट कर देता हूँ। ओके गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।